हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पे कृपा हमेशा बनाए रखें। ताई जी नमस्ते। ताई जी भारी लाते हुए ये नहा रही है रूबी और ये रूबी नहाने के लिए मना कर रही है। अब तुम ना आओगे पापा स्रोत से पहुंच के ये चौक बाप रहे हैं, इतने लगे हुए हैं। जहाँ उस दिन हम गए थे स्रोत, वहीं से जूतों के अंदर भी होंगे पापा। और ये रूबी नहा चुकी है, इसमें उधारती हूँ मक्के जो काफी दिनों से सुखाए हुए थे ये, और इन्हें लाते हैं यहाँ पे। तो भाई उधार दिए हैं हमने तो ये, और हाथों में भी छाले लग चुके हैं। सामने देख सकते हैं जैसे कि आप, हाथों में छाले लग गए हैं। तो अभी नहीं रखते हैं दूसरी वाली धोती पे जो कि वहाँ पे है। इसे उठा के ना यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, अब इसको फैलाते हैं। सुखाने का रीजन यह है कि इसका बीज बनाते हैं, फिर इसी को बोएंगे, फिर इसी से और मक्का होगा। तो गाइस मक्के उठाने का काम तो हो गया है, अब कपड़े उठाते हैं जो सूखे हुए हैं, क्योंकि आज कपड़े बहुत ज्यादा धुले हुए थे। यहाँ ऊपर हर जगह कपड़े ही होंगे, तो चलते हैं कपड़े उठाने छत पे। और ये रूबी सोई है आराम से मस्त हो गए। तो गाइस कपड़े तो सूखे नहीं थे, जो सूखे थे मैंने चलते हैं अब नीचे, पकड़ लिए मैंने कपड़े। तो गाइस शाम हो चुकी है, कपड़े वपड़े सब उठा दिए थे। ये रूबी को पता नहीं क्या हो रहा होगा। क्या हो रहा है तुझे? ओए ओए ओए, मिर्ची नहीं। गाइस ये तो मिर्च फेंकने के फिराक पे है। आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ, क्योंकि मेरे एग्जाम भी होने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी बनती है। ओके बाय।